Oh, Welcome back ये स्टॉमिक उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है मॉर्निंग में इस हायमी को स्टेज पर डरी भीगी बिल्ली बना खड़ा मिलता है नीचे जाकर वजह पता चलती है कि ग्रेनी ने शीश फिर कोई यह लगा रखा है इसे को भूत प्रेत से डर लगता है पर ग्रेनी का फेवरेट शो था वो चेंज नहीं करती है इसे हायमे को इसका खाना उसके रूम में लेकर आने का बोलता है और उसको ना करते देख कर तो बोलता है की अगर वो नहीं लेकर आएगी तो इसका डर्ट और बढ़ा देगा पर हायमे को गंजी सरकार यानी कि युश तेरा कहीं नहीं देख रहा था जिसने ऐसा के लिए खाना बनाया था तभी ऐसा अपने पीछे खड़ी चुड़ैल से डहकर हाईमे को पकड़ कर नीचे ग्राउंड पर था और वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि गंजी सरकार थी जो की ग्रेनी के कहने पर इनको एंटरटेन करने के लिए ऐसा को डराने के, के लिए बना हुआ था हाईमे चंद जब काम पर जाती है सभी को लीगज से काफी गोल्ड बिहेव करती रहती है वो सभी बिचारी जो ऐसा के बड़े भाई और इस बिजनेस को संभालने वाले वाइस प्रेसिडेंट सिगो सामा की पतियाँ बनने के सपने देखा करती थी अब इनको लगता है कि हैमिसन की क्लोज है और इसी के साथ अकेली घर में रहती है तो जरूर ग्रेनी सिंगल हैंडसम हैंडोसामा के लिए हैमे को ब्राइड भी चुन लेंगी और इन सब ने ये बात हैमे को बताकर वार्न भी कर दिया था की वो सीगोसामा ऐसी दूर रहे जिसपे वो अभी इन सबको क्लियर करने की कोशिश करती है की इसके लिए वो लोग हो वो तो डाइवोर्स है तो सब लोगों को गलत लगता है कि इसका सीगो के साथ कोई सीन बन सकता है मगर सब इसके डाइवोर्स होने का सुनकर बोलती है डायवोर्स है तो मतलब सीगोसामा की ब्राइड बनने के तो और ज्यादा इसके पक्के चांसेज है सबकी सब इसके वहाँ पर आने से बहुत ही ज्यादा नाराज थी फिर सिर्फ महिरो और कुए से इसकी बात होती थी जो इससे काम करते हुए ग्रेनी और सीगोसामा की हिस्ट्री बताते रहते हैं ये की सिगोसामा कितना हैंडसम और अच्छा है नहीं बल्कि एक कंप्लीट जेंटलमैन है कि तभी तो सभी गर्ल्स इस पे मरती हैं। अब इन सभी कु को हम से खतरा है मगर हमे को भी वाइस प्रेसिडेंट सी सामा का कुछ भी नहीं जानती थी सिर्फ उसका नाम और ही सुने जा रही थी कि वो भी कोई चीज है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ये और बात के सीगु सामा इसके बारे में बहुत कुछ जान चुका था और दोनों की टेन ईयर पहले हुई मुलाकात को याद करता रहता है वो भी इस ट्री के पास फिर जाता है और जिस तरीके से वो दोनों यहाँ पर मिले थे और इकट्ठे यहाँ पर उन दोनों ने टाइम स्पेंड किया था और सारे समय को याद याद करता रहता है और उसके साथ बीते हुए समय को अच्छे से याद करता रहता है मगर तभी किकनो भी वहाँ पर आ जाती है जो कि सिगो के रायकन में एक डांस परफॉर्मर होती है और खुद को खुद से ही सिगो की गर्लफ्रेंड होने का ऐलान करती रहती है पर वो इसके वहाँ पर आ जाने से डिस्टर्ब होकर वापस चला जाता है फिर स्कूल से वापस आकर सबसे पहले वो हैमे का पूछता है पर इसके अभी काम से वापस न आने का जान तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जल्दी से कॉल करने लगता है मगर वो काम की वजह से उसकी कॉल पिक नहीं करती है उधर हमी को घेर जाती थी कि दो गर्ल्स जानबूझकर एक वॉस उस रन के स्टोर में रखने के लिए भेज देती हैं कि खुद वो किसी और इम्पोर्टेंट काम में बिजी है वो इनकी बात इसलिए मानती है की वो अच्छे से बात कर रही है वो तो इसी बात पर हैप्पी थी फिर जब वो स्टोर में वॉस रखने जाती है लाइट अचानक ऐसी चली जाती है उधर से उसका एक्स पति उसे कॉल कर रहा था इन दो गर्ल्स ने इसे स्टोर से जुड़ी कुछ कोस्ट की कुछ बातें भी बताई थी वो डर ढहकर वहाँ से भागने ही लगती है मगर गेट जाती है तभी कोया वहाँ पर आता है उसने इसे स्टोर की तरफ आते देख लिया था और अभी इसके सेल पर इसे की फिर कॉल आ रही थी कोया सही का नाम देख कर कॉल पिक कर लेता है और इसके सेल पर हर समय फ्लड सवार रहता है इससे जब पूछता है हमे हाँ का सेल उसके पास क्यूँ है तो बोलता है दोनों अकेले अंधेरे कमरे में जंगल में मंगल कर रहे हैं इसलिए इससे तो इसको सीधा दिल पर ही ले लेता है और ऐसे ही को सीरियस होकर गालियां निकालते देख कर गुस्सा करते सुनकर वो कोया के पीछे से चीखती है कि कोया वैसे बोल रहा है इनके बीच कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ है मगर इसे ही तो अभी सीरियस हो गया था मुझे कोया इन दो गर्ल्स को जाकर इनकी मैनेजर फुजीता को शिकायत लगाता है कि इन लोगों ने अपना काम हमे हाँ को दे गए कैसे इसे स्टोर भेजा तो फुजीता जमा कर इन दो गर्ल्स की फिर क्लास लेती रहती है और साथ में इनको हामे को फिर तंग न करने के वार्न भी करती रहती है मगर वो गर्ल्स हमे को आँखें दिखा रही थी कि बाहर मिलना जरा तू तुझे फिर बताएंगे कोया फिर खुद से ही हेमे के साथ इसे को सब क्लियर करने जाता है आए उसे फिर बताता है कि वो मजाक कर रहा था तो ज्यादा सीरियस ना हो आखिर वो उसका छोटा बॉस भी तो था ना ये और बात की ईसई को अपना ये बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होता है कोया ग्रैनी को मिलने आया हुआ था जिनसे बहुत समय के बाद मिल रहा था ग्रैनी को फिर राय के सीगो और हेमे के बारे में में फैल रही है रिमर्स को बताता रहता है कि कैसे ही अपनी कुलग्स से बुली होती रहती है मगर ग्रैनी तो सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि तो बहुत अच्छे हैं इन्हें पहले इसके बारे में ख्याल क्यों नहीं आया और फिर हामी को पूछने लगती है की वो सीगो ऐसी पूछेंगी और अगर वो मान गया तो क्या वो भी राजी होगी मगर ऐसे ही को सुनकर गुस्सा आ जाता है दादी को चुप करवाने लगता है मगर ग्रेनी फौरन से गंजी सरकार को मैदान में बुला लेती है जो की आकर बताता है की सी सामा को हामी के बारे में सब बता चुका है कैसे वो यहाँ तक पहुँची है आय बोलता है की उसे लगता है की सीगो इस सब में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है इसे ही सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाता रहता है की हर समय गंजी सरकार इसकी जासूसियाँ ही करता रहता है ग्रहणी जो की इन सभी उम्र ऐसी बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी फिर हामी को बताने लगती है कि सिगल सामे ट्वेंटी एट ईयर का है और हमी ट्वेंटी सेवन ईयर की है तो लगता है कि दोनों की कुंडली बहुत ही परफेक्ट रहेगी इसे ही को इनकी बातें सुनकर गुस्सा आता रहता है और ग्रहणी को बोल है वो ये डिसाइड नहीं कर सकती है ये उसका पर्सनल टॉय है इसे सीगो को कभी नहीं देगा कोई मैदान में कूद जाता है और इनको बोलता है की दोनों भाइयों की लड़ाई बचाने के लिए क्यूँ न ऐसे करे की ये टॉय इसे दे दे मगर ग्रेनी फॉरन से दूर भगाती है फिर वो इसके पास इसके रूम में जाकर इसको राय पर मजीद काम करने से मना करता है कि बेशक कहीं और किसी जगह पर काम कर ले मगर उधर न करे इवन की अगर इसकी बात मानेगी तो इसका डर भी कम कर देगा जिस जिसपे वो उसको बोलती है कि काम तो वो भी वहाँ पर नहीं करना चाहती है मगर ग्रैनी को ना भी नहीं बोल सकती है ऐसे से पूछती है कि वो अपने फैमिली बिजनेस को इतना हेट क्यों करता है मगर वो इसे बताना नहीं चाहता था तो उसको बोलता है कि वो बाहर में जाए और गुस्से से उसके रूम से निकल जाता है ऐसे ही स्कूल जाता है इसके सभी फ्रेंड्स फिर के साथ उसे गेम करने का बोलते रहते हैं पर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था की अब बच्चों वाली गेम ऐसी दिल भर गया है बिकॉज अब उससे हमी के साथ गेम्स खेलने में ज्यादा मजा आने लगा था फिर दो गर्ल्स उसके पास आती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि किसी पार्टी में मिले थे इन सभी ने एक दूसरे के नंबर्स भी एक्सचेंज किए थे आई बात यहाँ तक तो ठीक थी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके साथ बातें करने लगता है मगर वो गर्ल्स फिर इसकी फैमिली बिजनेस और राय कन कर डिस्कस करने लगती है की वो सचमुच में कितना रिच है और उसके पास कितना बड़ा घर है आई फिर इसके भाई सीगो सामा के बारे में बोलने लगती है की वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और हैंडसम है और उनकी बातें सुनकर वो वहाँ ऐसी भाग जाता है और उनको बोलता है कि जब इम्प्रेस इसकी फैमिली से है तो इनके पास जाना मुझे क्यों चिपक रही हो के जाने के बाद नोद दो गर्ल्स को बताता रहता है कि वो अपनी फैमिली और घर को डिस्कस करने पर बहुत ही ज्यादा चिड़ता है फिर उस रास्ते पर ग्रेणी के हामे को सीगोसामा की वाइफ बनाने वाली बात याद आने लगती है तो जेलस फील करने लगता है और ग्रेणी को कर्ज करने लगता है कि उनके माइंड में ये बात क्यूँ आई सीगो सामा किसी काम को लेकर अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और फर्स्ट समय हामी को रायकन में देख बात करने के लिए रोकने लगता है मगर तभी खुद को इसकी गर्लफ्रेंड बोलने वाली कीकनो हामे को रोक कर उससे बात करने लगती है बिकॉज उसने भी राय में हमे हाँ और सीगोसामा के बारे में फैली र्यूमर सुन रखी थी तो वो देखना चाहती थी की आखिर हामे क्या तो चीज है वो हमे हाँ को बहुत ही ज्यादा अजीब से देख रही थी जिस तरह से वो उसे ट्रीट कर रही थी आए फिर कीकनों और, कीकनो और महिरों की वजह से ऐसी हमें हाँ से बात नहीं कर पाता है और उसे ऐसे ही दूर दूर से देखता रहता है फिर वो अपना काम फिनिश करने के बाद तो घर वापस जाती है पर इसे इसके साथियों गेम खेलने के लिए पहले से ही रेडी था इस बार इसे किसी हंटेड प्लेस पर जाकर पिक्चर लेकर आने का बोलता रहता है मगर वो इसे किसी और दिन गेम रखने का बोलती है कि आज काम से बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और कल इसे फिर काम पर जाना है वो काम से लीव नहीं ले सकती है वो इसे नो बोलते देख कर तो उसके थ्री मिलियन में से टू पॉइंट सेवन मिलियन डेट का याद दिलाता रहता है की उसने बोला था की वो इसे पे करेगी और वो भी किसी और पैसों से नहीं बल्कि खुद इसे की खेली जाने वाली गेम्स से मिलने वाले पैसों से उसका ट चुकाएगी तो इसको बोलता है अगर काम की वजह से गेम नहीं खेल रही है तो फिर जॉब को कट कर दे मगर वो गेम को इसके लिए पोस्टपोन नहीं करेगा जिस पर वो इसको पूछती है वो ऑलवेज बच्चों की तरह बिहेव क्यों करता रहता है वो नो बोलता है कि वो चाइल्डिश नहीं है पर वो उसको याद दिलाती है कल ग्रेनी और कोया भी तो उसने बच्चों वाला बिहेव किया था सुनकर इसको बोलता है मतलब इसका गैस बिल्कुल राइट था इसका और कोया का कोई सीन है तभी तो अकेले अंधेरे रूम में थे फिर वो इसको ताना मारता है कि उसने अपने पति को भी जरूर इसी सब के लिए छोड़ा है वो इसकी बात सुन के इस टॉपिक को लीव करने का बोलती है कि वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती है या मगर वो चुप नहीं करता है और इसको बोलता है कि उसने खुद को इजी टारगेट बना रखा है और ये सब उसके साथ इसीलिए हुआ है और इसके पति ने भी इसी वजह से जरूर छोड़ा होगा और बोलता है कि वो बैठ लगाता है कि वो भी अब इससे लव नहीं करती है तभी तो काया के साथ थी मगर उससे चुप करके अपनी तरफ देखते पाकर कर वहाँ ऐसी चला जाता है कि लगता है कुछ ज्यादा ही बोल गया है और वो बेचारी भी उसकी बातें सुनकर उसकी भी आंखें नम हो गई थी कीकनो आज बहुत ही ज्यादा मूड में थी सीगो के साथ रोमांटिक नाइट मनाना चाहती थी मगर सीगो इसे हरी झंडी दिखाता रहता है की वो काम की वजह से बहुत बिजी है तो बेचारी मुँह बनाकर घर जाने लगती है सीगो के दिमाग पर सिर्फ हामे चढ़ी हुई थी वो कीकनों से पूछना चाहता था उसने हमे को रोक कर क्या बात की थी मगर फिर कुछ सोच कर तो कर जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है इससे का मुँह बने देख ग्रैनी को पता चल जाता है की इसकी हैमी के साथ जरूर फाइट हो चुकी है उसको याद कराती हैं जो उसने हैमी के साथ स्क्रोल खराब किया था उसको बोलती हैं इनके रायन में कुछ और स्क्रॉल्स पड़े हैं तो हैमी के साथ जाकर न्यू चूज करके के यहाँ आरोप लाकर लगा दे ओल्ड की जगह पर और उसके इनकार करने पर याद दिलाती है की वो भी हैमी की तरह उसके घर में फ्री लोडर है जो मुफ्त की ठोसता है अगर उसके साथ नहीं जाएगा तो फिर खाना पीना बंद कर देंगी तो बेटर है जो कचरा उसने फैलाया है खुद ही साफ भी करे जिस पर वो उसके रूम में जाता है रात को जब घर पर कोई भी नहीं था और उसको बोलता है वो अभी आज रात ही इसके साथ गेम खेलेगा वो बेचारी बहुत ही ज्यादा थक कर सो रही थी मगर उसे नीचे ले जाता है आई फेस को वो पेज दिखाता रहता है जिस पर उसने गेम्स के कुछ रूल्स बना रखे थे आ उसको गेम के दो प्वाइंट्स का बताने लगता है की अगर रोल करने पर वन टू तो थ्री नंबर आया तो ऐसे फर्स्ट पॉइंट करना होगा और राय के स्टोर में जाकर वहाँ ऐसी स्क्रोल लेकर आना होगा साथ में ड्राता भी है और इस स्टोर से जुड़ी घोस्ट की वो सभी स्टोरी सुनाता रहता है आई बोलता है कि आज रात शायद उससे कुछ घोस्ट भी मिलने आएंगे आई वो उसको बताती रहती है कि वो वहाँ पर जा चुकी है आई वैसे भी सुनी सुनाई पर नहीं बल्कि आंखों देखी पर विश्वास रखती है हमी को लग रहा था की वो भी उसके साथ वहाँ पर रायकंड में जाएगा तो जल्दी जल्दी काम फिनिश करके वापस आने का बोलती है मगर वो क्लियर करता है की वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसके बजाय अगर उस रात के अंधेरे में किसी गटर में भी घुसने का बोला जाए तो वो वहाँ पर जाना पसंद करेगा पर उस चिट्टी रायकन में बिल्कुल भी नहीं वो इससे पूछने लगती है कि वो अपने फैमिली बिजनेस को इतना हेट क्यों करता है आखिर वो बताना नहीं चाहता था फिर उसे ऑफ करती है जब भी इसका बताने का मूड करे वो सुनने के लिए रेडी है फिर वो रायकन जाती है वो उसे कॉल पर कनेक्टेड था और इंस्ट्रक्शन देता रहता है आये उसे ही की इंस्ट्रक्शन के अनुसार फ्रंट डोर से नहीं बल्कि बैक डोर से अंदर जाना होता है जो की बिल्कुल डार्क वे था और काफी स्केरी दिख रहा था फिर वो उसे फॉलो करती रहती है आए वो जो कुछ समय पहले तक उसे तंग करता रहता है वो स्टोर रूम में जाकर अपने फेस पर फ्लैश लाइट लगा कर उसे डराती रहती है कुछ गोस्त बंद कर जैसे सचमुच में स्टोर रूम में कोई भूत मेंीत हूँ जिसे देख कर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर जब देखता है की वो इसके साथ खेल रही थी तो उसे बुरा बुरा बोलने लगता है फिर इसी के बताने पर उसे स्क्रोल वहाँ पर दिख जाते हैं और इसी के बताए गए स्क्रोल को उठा लेती है पर तभी कोई स्टोर के डोर को खुला देखकर क्लोज करके वहाँ से चला जाता है और हर्मी की तबीयत बिगड़ने लगी थी बिकॉज वो डे टाइम से ही सिक फील कर रही थी वो ऐसे ही से पूछ कर कुछ समय के लिए ब्रेक लेने के लिए बाहर जाने लगती है फिर डोर पर जाकर उसे पता चलता है कि डोर को बाहर से लॉक लगा लिया गया है ऐसे ही अभी तक उसके साथ वीडियो कॉल पर था इधर वो बहुत ही ज्यादा सिक फील करने लगी थी और किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रही होती है फिर वो देखता है की वो उसके सामने ही वही पर बेहोश हो जाती है पहले इसे ही को लगता है की फिर से उसके साथ ड्राने के लिए कुछ कर रही है मगर वो जब बहुत देर तक उठती नहीं है तो वो ज्यादा सीरियस ले लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए फिर वहाँ पर चला जाता है सबसे पहले जाकर उसकी हेल्प करता है फिर उसके लिए वाटर लेकर आया था और उसे वाटर पिलाता रहता है भी वहाँ पर देखकर अपनी आँखों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था कि उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर आ गया है बिकॉज उसे पता था उसने इस जगह पर कभी न आने की शपथ ले रखी थी मगर ये बहुत बड़ी बात थी कि वो उसके लिए वहाँ पर आया होता है इधर भी अलग अलग स्टोर रूम में जाकर इसको खोजता रहता है फिर अपनी शिफ्ट को क्लोज करके वहाँ से जाती हुई महीरों से इसे को पूछता है कि उसने उसके छोटे भाई को वहाँ पर कहीं देखा है क्या और उसके नो बोलने पर तो उसको बोलता है कि अगर कहीं दिखे तो वो उस पर नजर रखे सीगो इसे को रायकन में छुप छुप कर बैक डोर से अंदर आते देख चुका था और सीगो ने उसके वहाँ पर आने की वजह भी पूछी थी की यहाँ क्या करने आया है वैसे ऑलवेज तो इधर आने से मना करता रहता है की ये जगह उसे पसंद नहीं है मुझे इसे उसे उसके काम से काम रखने का बोलकर अंदर हामी के पास चला गया था सिगू जानना चाहता था कि वो क्या करने आया है यहाँ उससे हमी वहाँ होने का मालूम नहीं होता है हामी ऐसा हाँ के साथ अपने एक्स पति की बातें करने लगती है उसने जब देखा था कि वो इससे चीट कर रहा है तो उसे उस समय कितना बुरा लगा था और फिर कल जब उसने उसे कॉल की थी उसे डाइवोर्स उसको बताने के लिए तो काम पर होने की वजह से उसने आंसर नहीं किया था वो इसके पास बैठ जाता है उसकी बातें सुनने के लिए ताकि उसे अच्छा अच्छा फील होने लगे और उसे बोलता रहता है कि उसे जो भी बोलना है वो उसकी बातें सुनने के लिए रहे है इसे बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर सकती है जिस पर वह उसको बोलती है वो उसके एक्स पति की न्यू गर्ल फ्रेंड का सोच रही है क्या इससे ज्यादा सुंदर दिखती है क्या वो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करती होगी जो उसके एक्स पति ने उसको चीट किया है उसके लिए आए उसे बोलती है की उसे लगता है की इसे आसानी ऐसी उसे छोड़ कर नहीं आना चाहिए था बल्कि इसके थोबड़े आरोप कुछ निशान बनाकर मतलब की मुकेश के मार कर आती ताकि उसे भी चीट करने का असल मजा तो आता ना फिर बातें करते करते उसके शोल्डर पर सर रख बेहोश हो तो जाती है वो इसे उठा कर जल्दी ऐसी बाहर लेकर जाने लगता है मगर उसे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी जिस पर वो उसे रेस्ट रूम में लिटा कर कुछ गर्म क्लॉथ देखने के लिए अंदर चला जाता है और उसके जाते ही सीगो हेमी के पास आकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है फिर उसे काफी ज्यादा हाई फेवर देख कर उठाकर अंदर ले जाने लगता है इसे ही को भी कुछ मिल जाता है पर इसके हेमे के पास जाते हुए मही भी इस रास्ते पर मिल जाती है जो इसे फर्स्ट समय वहाँ पर देख रही थी और इसे अभी देख कर तो सीगो के ऑर्डर कभी बताती रहती है कि उसने इस पर नजर रखने का बोला है वो इसे चुप रहने का बोलकर जाने लगता है मगर आगे से सीगु की बाहों में किसी पैट कैट की तरह लहराती हुई हमें हाँ दिखती है तो वो वहीं पर रुक जाता है और सीगु मही को फौरन से डॉक्टर को बुलाने का बोलता रहता है वही इसी को हमें हाँ सीगु की बाहों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी जिस पर तो सीगु ऐसी लेकर वो घर वापस ले जाता है मॉर्निंग में इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है जो की ग्रेनी ने इसे जबरदस्ती देकर उसके रूम में भेजा था आई फिर उसकी तबीयत बिगड़ने पर तो उसे गल ट्रबल में डालने के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था उसे सॉरी बोलता रहता है जिस पर वह इसे बोलती है कि इससे तो रात का ज्यादातर कुछ याद ही नहीं है तो उसको बताने लगता है कि कैसे वो स्टोर रूम में बेहोश हो गई थी वो इससे पूछती है कि स्टोर रूम से बाहर तो बैग बना कर वो ही उससे ले गया था मगर उसके बाद उससे आगे से कौन उठाने वाला था बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि वो तो नहीं था जिस पर तो हमें किसी को सामा के बाह में लहराने वाली बात उसे याद आने लगती है बुरे बुरे मुंह बनाकर बोलता है इससे आगे वो नहीं था और सीगो का नाम लिए बिना फौरन से बाहर चले जाता है इधर ग्रेणी को इसका लाया गया स्क्रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जिस पर तो वो पुराने की जगह पर उसे पुट कर देती है फिर हाइमे के सेल पर उसके एक्स पति की कॉल को देख वो पिक कर लेता है उधर हाइमे इसका लाया गया पोज इंजॉय करती रहती है फिर इसी के साथ सेकेंड एपिसोड का यही पर एंड होता है तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे थर्ड एपिसोड के साथ अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद मजीदस के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग